अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ चिलापी मच्छी फ्राई, तवा मच्छी फ्राई। सॉरी, यहाँ पे मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, इसके वजह से मैंने कुछ दिन से वीडियो भी अपलोड नहीं किया है। पर क्या करूँ, अब मेरी आवाज़ ठीक ही नहीं हो रही, इंशाल्लाह जल्द ठीक होगी। पिछले कुछ दिनों में मेरे घर में फंक्शन था, तो इसकी वजह से डॉक्टर बोल रहे थे कि भाग दौड़ की वजह से भी ये प्रॉब्लम होती है, तो इंशाल्लाह ये मेरी प्रॉब्लम जल्द से जल्द ठीक हो जाए। तो चलिए लिहाजा बढ़ते हैं रेसिपी की ओर। तो यहाँ पे मैंने मच्छी फ्राई बनाया है और अलग से रस्सा बनाया है और राइस के साथ हम इसको एंजॉय करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं इसकी रेसिपी। तो देखिए, यहाँ पे मच्छी धोने का काम कर रहे हैं मैं और मेरे हस्बैंड। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से इनको धो कर लेना है, इनका पूरा ब्लड निकल जाना चाहिए। और अच्छे से धो कर लेंगे तो बिल्कुल स्मेल नहीं आएगी। देखिए मेरे हस्बैंड किस तरह से धो रहे हैं मच्छी को, इतने अच्छे से मच्छी धो रहे हैं, बस साबुन और ब्रश लगाना ही बाकी था। पर मच्छी बहुत अच्छे से धो कर ली थी मेरे हस्बैंड ने। तो देखिए इसी प्रोसेस से सारी मच्छियों को धो कर लिया है हमने और एक जाली में रख दिया है, जो भी पानी है वो स्ट्रेन हो जाए। तो यहाँ पर देखिए मैं मच्छी फ्राई के लिए मसाला बना रही हूँ। ये मसाला इतना स्पेशल है कि आप सारे मसाले सारे ट्रिक्स भूल जाएंगे इसके आगे। एक बार मेरे तरीके से मसाला बना कर देखिएगा और एक बार इस मसाले से मच्छी को फ्राई करके देखिएगा, बहुत लाजवाब बनती है ये मच्छी। तो यहाँ पे देखिए मैंने जावित्री ली है 1 चम्मच, इसके बाद 2 चम्मच दालचीनी, इसके बाद 2 चम्मच जीरा और चक्री फूल 3 से 4। यहाँ पे लौंग मैंने 1.5 चम्मच लिया है, काली मिर्ची भी मैंने ली है 1.5 चम्मच और यहाँ पे सौंफ है 1 चम्मच। इसके बाद 3 से 4 ये तेज पत्ते और 12 से 13 ये हरी इलायची। मेरे पास बड़ी इलायची नहीं थी, अगर आपके पास है तो 1 से 2 ले सकते हो। सारे खड़े मसालों को हल्का सा भून कर लेना है और यहाँ पर मैं आपको अलग से धनिया भी, साबुत धनिया भी दिखा रही हूँ। देखिए मैंने 10 से 12 चम्मच ये धनिया ली है, साबुत धनिया, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने 2 केजी मच्छी लेकर आए हैं, उन्हें भी अंदाज़ा नहीं आया कि कितनी मच्छी हम खा पाएंगे, है ना। मच्छी के मामले में ऐसा होता है अक्सर मेरे घर में, मच्छी का ही पता नहीं, समझ में नहीं आता। मेरे हस्बैंड हर टाइम मच्छी ज़्यादा ही लेकर आते हैं। नहीं, मच्छी शायद ज़्यादा नहीं लेकर आते क्योंकि मच्छी गर्मा गर्म ही खाने में अच्छी लगती है, दूसरे दिन या फिर तीसरे दिन तो हम खा नहीं पाते क्योंकि बिल्कुल अच्छी नहीं लगती ठंडी मच्छी। पर चिकन या मटन हो तो हम 1-2 दिन खा सकते हैं, है ना। शायद यही मसला है इस मच्छी का, तो हमें अड़ोस पड़ोस में देना पड़ता है। ऐसे तो एनी टाइम भी हम देते हैं मगर कम क्वांटिटी में देते हैं। तो देखिए बातों बातों में मैंने सारा मसाला भून कर लिया और ठंडा करके भी लिया। तो देखिए यहाँ पर मैं मिक्सी के जार में 2 से 3 मिर्ची को काट कर डाला है, इससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है हरी मिर्ची से। तो यहाँ पे देखिए मैंने पीस कर लिया है इस मसाले को, देख सकते हो आप। देखिए मैं इसमें से थोड़ा सा मसाला बचा कर रख रही हूँ क्योंकि ये मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है, अगर इसमें से भी बच जाता है तो मैं वो भी रख दूँगी फ्रिज में। तो देखिए इसमें मैं और कुछ चीज़ें मिक्स करने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच अंबारी मिर्ची पाउडर ली है, आप जितना तीखा खाते हैं उस हिसाब से ले सकते हो। और हल्दी डाल रही हूँ मैं 1/2 चम्मच, खाने वाले चम्मच से सारा मेजरमेंट बता रही हूँ। तो यहाँ पे नेक्स्ट डाल रही हूँ मैं अदरक लहसुन की पेस्ट तकरीबन 4 चम्मच भर कर, मैं यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ, अगर आप चाहो तो 2 चम्मच भी ले सकते हो। नेक्स्ट डाल रही हूँ मैं नमक 1.5 चम्मच, इसके बाद मैं ले रही हूँ चिकन टिक्का मसाला 1.5 चम्मच, क्योंकि इसमें फूड कलर भी होता है और ये मेरे पास था जब मैंने चिकन टिक्का बनाया था, उस टाइम मैंने मंगवाया था तो वही बचा हुआ था, उसी को मैं डाल रही हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, वो रेसिपी नहीं देखी है, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप उस रेसिपी को भी देख सकते हो। तो इसके बाद मैं ले रही हूँ कुकिंग ऑयल 4 चम्मच, इसके बाद मैं बेसन ले रही हूँ 2 चम्मच, इससे बाइंडिंग अच्छी आएगी। और यहाँ पे लेमन जूस डाल रही हूँ मैं 2 से 3 चम्मच और ये हरी धनिया थोड़ी सी काट कर डाल रही हूँ। अब अच्छे से इनको मिक्स कर लेंगे और
अगर लगे तो पानी भी इसमें डालकर इसका थोड़ा सा पेस्ट बनाएंगे। देखिए इस तरह से पेस्ट बनाकर लेना है, ज़्यादा गीली भी नहीं करनी है। तो देखिए यहाँ पे मच्छी भी अच्छे से सूख चुकी है, पानी पूरा सूख चुका है इसका। अब इसमें मसाला भर देंगे। देखिए इस तरह से जो कट लगे होते हैं ना मच्छी को, इस तरह से कट में अच्छे से भर कर लेना है। देखिए दूसरे साइड पर भी कट लगे होते हैं, उधर भी मसाला भरना है अच्छे से, और उसके पेट में भी कट लगा होता है। देखिए इस तरह से यहाँ पर भी अच्छे से मसाला भरना है, और थोड़ी सी हरी धनिया भी डालनी है ताकि ये फ्राई होने के बाद बहुत बढ़िया दिखती है और बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है। तो देखिए मच्छी को ऊपर से लगाने के लिए मैंने ये पेस्ट और थोड़ी सी गीली की है, मतलब और थोड़ा सा इसमें पानी डालकर थोड़ा सा पेस्ट को पतला किया है ताकि पेस्ट अच्छे से चिपक जाए। तो चलिए यहाँ पर मैंने अच्छे से इस पेस्ट को लगा दिया है मच्छी पर, अच्छे से ये लग चुका है। अब इनको रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए। आप चाहो तो ज़्यादा टाइम के लिए भी रख सकते हो। तो यहाँ पे देखिए मच्छी मैरिनेट हो रही है, तब तक मैंने यहाँ पे रस्सा बना लिया है मच्छी के साथ खाने के लिए। मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, और मेरे हस्बैंड को मच्छी के साथ राइस ही चाहिए होता है, तो देखिए मैंने राइस भी बना लिया है। तो यहाँ पे मैं रस्से का भी वीडियो रेसिपी आपके साथ शेयर करती, पर मेरा वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसके लिए मैंने उसको स्किप किया है। तो चलिए 20 से 25 मिनट हो गए हैं मच्छी को मैरिनेट होते हुए। मैंने तवे पर तेल डाल दिया है, नॉनस्टिक का मैंने तवा रख दिया है। अब देखना यह है कि तवे पर मच्छी आएगी या नहीं, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने बहुत बड़ी मच्छी लेकर आए हैं इस टाइम। तो देखिए यहाँ पे माशाल्लाह मच्छी तो आ गई है अच्छे से। अब इसको फ्राई करके लेंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई पे रखना है। देखिए थोड़ा सा हिस्सा बाहर आ गया है, पर अब क्या करें, तवा हमारे पास इससे बड़ा नहीं था, तो हमने एक साइड को 5 से 6 मिनट के लिए रख दिया था। अब मैं इनको पलट रही हूँ, बहुत आहिस्ता पलटना है, नहीं तो मच्छी टूट सकती है। बहुत एहतियात के साथ पलटना है इनको। अब दूसरी साइड को भी 5 से 6 मिनट के लिए रख देंगे स्लो फ्लेम पे। तो मैंने छोटे बर्नर पे रखा था, तो मैंने मीडियम टू हाई फ्लेम रखी है। अगर आप बड़े बर्नर पर रख कर फ्राई कर रहे हैं तो आप बिल्कुल स्लो करके इसको फ्राई करें मच्छी को। तो देखिए मैंने 1 से 2 मिनट के लिए ढक दिया था, और अब मैं पलट रही हूँ। माशाल्लाह देखिए इस साइड भी कितने अच्छे से कलर आ गया है, मतलब हमारी मच्छी अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अगर आपके पास छोटी मच्छी है तो आपको ढकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मच्छी में मॉइस्चर रिलीज हो जाता है ढकने की वजह से। तो अगर आपकी मच्छी छोटी है तो ना ढकें। तो यहाँ पे बहुत बड़ी मच्छी है हमारे पास, तो हमको ढककर पकाना पड़ रहा है, नहीं तो ये कच्ची ही रह जाएगी अंदर से। तो देखिए हमने दूसरा तवा रख दिया था, पर इस पर भी कंफर्टेबल नहीं हो रहा था, तो इसके लिए हमने 2 मच्छियों को फ्राई किया साबुत ही। बहुत मशक्कत करनी पड़ी इन 2 मच्छियों के साथ, पर यहाँ पर अब हमने 2 बाकी के मच्छियों को काट दिया, मतलब 1 में से 2 टुकड़े कर दिए और अच्छे से फ्राई करके निकाल दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह देखिए मच्छी फाइनली फ्राई हो चुकी है सारी की सारी। माशाल्लाह से कलर भी बहुत बढ़िया आ चुका है। इस बार मच्छी बहुत ज़्यादा बड़ी मिली थी, इसके लिए इतनी मशक्कत करनी पड़ी, मगर यकीन मानिए ये मच्छी बहुत लजीज बनी थी, बहुत टेस्टी बनी थी। आप भी एक बार इस तरह से ज़रूर बना कर देखिएगा, इंशाल्लाह आपको भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और रस्से की तो बात ही मत करो, इतना बढ़िया सा ही रस्सा बन गया था ना, बहुत ज़्यादा टेस्टी बन गया था। तो चलिए मैं आपको मच्छी को तोड़कर भी दिखाती हूँ कि ये कितनी कुक हो गई है अंदर तक। तो माशाल्लाह देख सकते हैं आप, मच्छी पूरी तरीके से कुक हो चुकी है। तो चलिए आप भी एक बार मेरे बताए हुए तरीके से इस मच्छी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इससे पहले मैंने मच्छी फ्राई का वीडियो अपलोड किया है, वो मच्छी फ्राई मेरे अम्मी ने बनाई थी, वो भी रेसिपी बहुत मज़े की है। अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप उसको भी देख सकते हो। और एक ज़माना ऐसा था कि हमें बिना किचन में जाए ही गर्मा गर्म खाना मिलता था, वो ज़माना था हमारे शादी से पहले का। मगर शादी होने के बाद हर लड़की को खाना बनाना ही पड़ता है, जैसे कि हम अभी भी बना रहे हैं। और मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपनी फैमिली फ्रेंड्स में। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रेसिपीज़ के साथ,
तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में हमें याद करें और अच्छी अच्छी रेसिपीज को ट्राई करें, और मुझे इजाज़त दीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।